बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या कना वदू व या कना साइन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज सबो हरानान एंड आई एम फ्रॉम टाइटेनियम होम्स एंड एजेंसी। होप यू आर डूइंग वेल। सो व्यूअर्स, एज यू ऑलवेज नो दैट टाइटेनियम होम्स एंड एजेंसी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू डील ऑल द अप्रूव्ड सोसाइटीज इन लाहौर एंड इस्लामाबाद। ना कि डील करता है बल्कि आप लोगों के बेनिफिट्स और नीड्स को मद्देनजर रखते हुए उन तमाम सोसाइटीज की लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करता है, ताकि आप लोग भी इसको अवेल करके उसे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो ठीक, आज मैं दोबारा से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक बेहतरीन प्रोजेक्ट की लेटेस्ट अपडेट लेके, जिसका आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि वक्त ख़त्म होने से पहले आप लोग भी उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो जी हाँ व्यूअर्स, मैं बात करने जा रहा हूँ इत्तेहाद ऑन फेस टू की। आज मैं इस सोसाइटी की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं इसकी आइडियल लोकेशन, इसकी अमेनिटीज़, फैसिलिटीज़, इसके डेवलपर्स, उनकी हिस्ट्री, इनकी डेवलपमेंट भी, और इनकी जो प्लॉट कैटेगरी है और उनका जो प्राइस प्लान है, आज मैं सारा आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो के एंड तक लास्ट में देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आता हूं इस सोसाइटी की लोकेशन की। व्यूअर्स, ये सोसाइटी आप लोगों को मेन जियाबगा रोड पे लोकेट मिलेगी। आप लोग इसको हलोकी इंटरचेंज से तकरीबन कुछ 4 से 5 मिनट की ड्राइव पर अप्रोच कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोग इसको मेन फिरोजपुर रोड से भी अप्रोच कर सकते हैं। ये कि इसकी बहुत ही एक आइडियल लोकेशन है। अब मैं साथ आप लोगों को बताता हूँ इसके डेवलपर्स के बारे में। इसके डेवलपर्स हैं यूनिट डेवलपर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत अच्छे डेवलपर्स हैं। इनकी प्रीवियस हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो आप लोग बखूबी वाकिफ़ हो गए। मेन ड्राइवन रोड पे तहाट ऑन फेज़ वन है, जो कि कम्प्लीटली जो है वो डेवलप है। उसके तमाम जो वहाँ पे प्लॉट्स हैं वो कैश पे हैं। और मैं आप लोगों को बताऊं कि जिन जिन इन्वेस्टर्स ने वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, जिन्होंने अपनी रिहाइश के लिए वहाँ पे अपने प्लॉट बुक करवाए थे, जो कि उस वक्त तकरीबन कोई 50 से 55 लाख के करीब उन्होंने लिए थे, तो आज वो 1 करोड़ से प्लस की अमाउंट पर उनके जो है प्लॉट हो चुके हुए हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। आप लोग देख सकते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट को उनको कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो ये डेवलपर अपने इन्वेस्टर्स और जो अपनी रिहाइश के लिए प्लॉट बुक करवाते हैं, उनके लिए बहुत ही सहूलत जो है वहाँ पे फराहम करते हैं, और उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है उनको भी सिक्योर करते हैं। तो ये इनके डेवलपर हैं, उनकी हिस्ट्री है। इस डेवलपर ने एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पे अपना जो इत्तेहाद ऑन फेस टू है वहाँ पे अपना इसने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, वो भी बहुत इसको अच्छे तरीके से लेके चल रहा है। ये डेवलपर अपने वादे के बहुत बेहतरीन मुताबिक है, अब हर चीज़ टाइम पे डिलीवर करता है, चाहे वो पोजेशन है, चाहे वो इसकी बैलेटिंग है या कुछ भी है, जो कि टाइम पर डिलीवर करनी चाहिए। ये टाइम से पहले जो है ये डेवलपर अपनी जो चीज़ें हैं वो अपने प्रोजेक्ट में डिलीवर करता है, क्योंकि इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अपनी इन्वेस्टमेंट का बहुत एक अच्छा हाई रिटर्न मिलता है, और जो रिहाइश के लिए अपना प्लॉट बुक करवाते हैं उनको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो व्यूअर्स, अब मैं बात करता हूँ इस सोसाइटी की डेवलपमेंट की, कि इस सोसाइटी की कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है और कितनी डेवलपमेंट इसकी हो रही है। ये डेवलपर अपनी सोसाइटी में ए से लेकर एफ ब्लॉक तक इसने बड़ी अच्छी डेवलपमेंट अपनी कर दी है, और अनकरीब इन जो ब्लॉक्स में अपना इनके पोजेशन भी आने वाला है। तो जैसे ही इनके शुरू के ब्लॉक्स में पोजेशन आएगा, तो जो बाकी के ब्लॉक्स हैं उनमें भी पोजेशन आने में देर नहीं लगेगी। जो इन्वेस्टर ये चाहता है कि उसको कैश पे प्लॉट मिले, तो वो ए और बी ब्लॉक में उसको कैश के प्लॉट जो हैं वो अवेलेबल हैं। जो ये चाहता है कि कम अरसे में वो अपना जो है अपना घर खड़ा कर ले। तो व्यूअर्स, अब मैं बात करता हूँ सोसाइटी की डेवलपमेंट की, कि इस सोसाइटी की कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है और कितनी डेवलपमेंट इसकी मज़ीद हो रही है। तो इस डेवलपर ने अपनी इस सोसाइटी में ए से लेके एफ ब्लॉक तक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट कर दी है, और मज़ीद जो इसके आगे के ब्लॉक्स हैं वहाँ पे भी इनकी डेवलपमेंट चल रही है। अनकरीब इनके जो शुरू के ब्लॉक्स हैं वहाँ पे इनका पोजीशन आने वाला है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे ही शुरू के ब्लॉक्स में इनका पोजीशन आएगा, और जो बाकी के ब्लॉक्स हैं वहाँ भी पोजीशन आने में टाइम नहीं लगेगा। ये डेवलपर पोजीशन हो, चाहे इसकी बिल्डिंग हो, या कोई भी ऐसा काम हो जो कि टाइमली डिलीवर करना चाहिए, ये उस टाइम से पहले वो चीज़ें डिलीवर करता है। तो जो इन्वेस्टर ये चाहता है कि वो कैश पे प्लॉट ले, तो वो ए और बी ब्लॉक में उसको कैश के प्लॉट अवेलेबल हो सकते हैं। और जो ये चाहता है कि वो कम अरसे में अपने घर की कंस्ट्रक्शन शुरू कर ले, तो वो ए और बी ब्लॉक में अपना प्लॉट लेके कैश पे, तो 2 से 3 महीनों में पोजीशन हासिल करके अपने घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करे।
तो ये थी इसकी डेवलपमेंट। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे तो इनकी डेवलपमेंट हो चुकी है, तो हम जो फ्रेश बुकिंग है वो हम कैसे करवाएंगे, तो फिक्र करने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं। इनकी फ्रेश बुकिंग भी चल रही है, इनका जो एक न्यू ब्लॉक है वो इनका लॉन्च हुआ है जिसमें फ्रेश बुकिंग जा रही है, उस ब्लॉक का नाम है ओवरसीज़ ब्लॉक। अब वहाँ पर आप लोगों को 5 मरला का जो है कैटेगरी मिलेगी। पहले तो इनकी 5 मरला की थी, लेकिन इन्होंने देखते हुए कि कुछ लोग चाह रहे हैं कि हम इस की जो बड़ी कटिंग में भी हैं, तो इस डेवलपर ने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, उस चीज़ को देखते हुए 10 और कनाल की जो है कटिंग निकाल के उनके लिए और ज़्यादा फ़ायदा किया है। तो यहाँ पे 5 मरला की भी बुकिंग हो रही है, 10 की भी हो रही है और कनाल की भी हो रही है। मैं 5 मरला की डाउन पेमेंट की बात करता चलूँ तो 4,55,000 जो है इसकी डाउन पेमेंट है और 40,000 उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है। ये डेवलपर इकोनॉमिकल प्राइस में रह के आप लोगों को प्लॉट प्रोवाइड करता है और एक ऐसी लोकेशन पर हो के जो कि इसके इर्द गिर्द बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत ही अच्छी लोकेशन पर होने के बावजूद ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आप लोगों को प्लॉट प्रोवाइड करता है। और ये 3 साल पेमेंट प्लान के साथ हैं, बहुत ही आसान माना कि इसके साथ हैं। व्यूअर्स, ये थी इसकी प्लॉट कैटेगरी, इसका प्राइस प्लान, इसकी डिवेलपमेंट की जो है डिटेल्स। तो व्यूअर्स, अब मैं बात करता हूँ इस सोसाइटी की अमेनिटीज और फैसिलिटीज़ की। उस पर मज़ीद डिटेल पर जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि इस सोसाइटी के इर्द गिर्द वॉकिंग डिस्टेंस पे कौन कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन सी सहूलत मौजूद है। आप लोगों को इस सोसाइटी की वॉकिंग डिस्टेंस पे आप लोगों को मैकडोनल्ड्स मिलेगा, KFC मिलेगा, जो कि 3 से 4 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है, ठीक है। 10 to 15 मिनट्स की ड्राइव पे आप लोगों को यहाँ पे बीकन हाउस इंडस्ट्री मिलेगी, आप लोगों को यहाँ पे डॉलमन मॉल मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों को एक हॉस्पिटल भी मिलेगा। आपको इस लोकेशन पर रहते हुए आपको बाहर कहीं भी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इसके इर्द गिर्द ही हैं, बहुत करीब हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ पे बिल्कुल भी फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है कि हम इस लोकेशन पे हैं तो हमें कहीं भी जाने के लिए हमें जो है वो बहुत ही सफ़र करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग की सोसाइटी में रहते हुए वॉकिंग डिस्टेंस पर आप लोग हर चीज़ को अप्रोच कर सकते हैं। अब मैं सोसाइटी के अंदर की अमेनिटीज़ की बात कर चलूँ तो ये डेवलपर आप लोगों को कम थोड़े टाइम में जो है कमर्शियल्स भी प्रोवाइड कर रहा है। इसमें मसाजिद होंगी, पार्क्स होंगी, अनकरीब यहाँ पे स्कूल्स बनाए जाएंगे, मतलब कि जो जो लोगों की ज़रूरियात होती हैं ज़िंदगी की, वो सारी ये डेवलपर अपनी सोसाइटी में आप लोगों को प्रोवाइड करेगा ताकि आप लोग इस चीज़ से अपना भरपूर फ़ायदा उठा सकें। व्यूअर्स, ये थी सोसाइटी की तमाम डिटेल्स जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है। तो आप कोई भी अपनी जो है किसी भी किस्म की सोसाइटी से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है या अपनी प्लॉट की बुकिंग करवाना चाहता है, चाहे वो ओवरसीज़ से है, वो इस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मुझसे रابطہ कर सकता है। और जो ओवरसीज़ से क्लाइंट हैं वो भी इसी नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप और ईमो के ज़रिए रابطہ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।